हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल अजमेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको जानकारी देंगे जो प्लिंथ बीम लगाते हैं और कुछ दिन के लिए टेम्परेली कार्य करते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये दो सरियों का इसमें एक डाल रखे हैं, दोनों तरफ 6 इंच की इसमें ईंटें लगा रखी है। तो दोस्तों इस तरह आपको लगा लेनी है। उसके बाद मसाला आपको अच्छी तरीके से बना लेना है, मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से मसाला आप मिक्स कर लीजिए और उसके बाद दोस्तों जो इसका बॉक्स बना हुआ है इसमें आपको दोस्तों घोला बनाकर वो डाल लेना है। अच्छी तरीके से घोला बनाकर वो डाल लेना है। दोस्तों प्लिंथ बीम जो लगाते हैं उसका खर्चा ज़्यादा हो जाता है और हम कुछ दिन के लिए इस तरीके से अपनी जो दीवार है टेम्परेली काम कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये दो सरिये हमने ये बॉक्स बनाकर लगाई है और इस तरीके से इसमें आपको मसाला डाल लेना है जैसे कि आप देख रहे हैं। दोस्तों बहुत सी बार ऐसा होता है कुछ काम टेम्परेली कुछ दिन के लिए करना पड़ता है तो ज़्यादा हैवी अगर बीम वगैरह लगाते हैं तो उसमें खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो ये कुछ दिन के लिए टेम्परेली काम के लिए दोस्तों आप ये दो सरिये लगा करके और इसका ये बॉक्स बनाया है उसकी भराई आप कर सकते हैं। तो आपकी जो इसके ऊपर दीवार बनेगी या आप कमरा बनाना चाहते हैं वो भी आपका 10 साल 15 साल दोस्तों कहीं नहीं जाने वाला है। दोस्तों जैसे कि आपने और वीडियो में देखा होगा प्लिंथ बीम लगाते हैं उसको 1 फीट में भरते हैं, 1.5 फीट में भरते हैं तो दोस्तों उसका काफ़ी कॉस्ट आ जाता है और ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें कुछ दिन के लिए दोस्तों टेम्परेली अगर काम आपको करना है या इस पर दीवार बनानी है तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ दिन बाद जब आप अच्छी तरीके से बिल्डिंग बनाएं तो इसे तोड़ करके आप अच्छी तरीके से प्लिंथ बीम लगा करके उसके ऊपर ही बिल्डिंग बनाएं। तो ये टेम्परेली काम है दोस्तों। ये आपको अगर कोई दीवार बना रहे हैं दोस्तों, आप दीवार बना रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ दिन के टेम्परेली दीवार होती है कि हमें ये आगे चल के 2 साल में 3 साल में तोड़नी है तो उसके लिए ये आप इस तरीके का बीम लगा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको दोस्तों कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। तो ये जो भराई कर रहे हैं इसे भराई को दोस्तों अच्छी तरीके से ठुकाई करके और करनी की सहायता से अच्छी तरीके से दोस्तों आपको इसी तरह आपको भराई कर लेनी है। दोस्तों ये हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।